अगर आप लोग काजल राघवानी को मासूम समझते हैं तो आप लोग गलत है, क्योंकि ये इतना गिरी हुई, इतना घटिया लड़की है, साफ भाषा में बोला जाए तो ये चरित्रहीन लड़की है, क्योंकि ये जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है, जिस जगह पे रहती है उसी जगह को बदनाम करती है। और हम ये क्यों बोल रहे हैं इसका जवाब हम इसी वीडियो में देंगे, आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बता दें कि बीते दिन काजल राघवानी जो है एक अपना इंटरव्यू दी थी, जिसमें पवन सिंह को लेकर ये कह रही थी कि पवन सिंह के सेट पर एक गाना हमारा शूट था, जहां पे पवन सिंह हमारे साथ जबरदस्ती किस सीन किए थे, और इस तरह से पवन सिंह पे आरोप लगाई हुई थी। बाकी आपको हम बता दें कि पवन सिंह से पहले जो है यश मिश्रा के साथ में इनका इतना अश्लील वीडियो, जो कि आप साफ भाषा में बोले तो हाफ कौन वीडियो जो है इनका यूट्यूब पर अपलोड है। और आपको बता दे कि ये कहती थी कि पवन सिंह के साथ में हम बोले हुए थे कि जो किस सीन जो है हमारे फैमिली में मतलब कि अलाउ नहीं है, इससे जो है हमारे फैमिली में दिक्कत हो सकता है, इस तरह से ये बोल रही थी। तो क्या आपको जब था कि पवन सिंह के साथ में किस करने में मतलब आपको फैमिली को दिक्कत था, और वही जब आप यश मिश्रा के साथ इतना अश्लील सीन की हुई है, तो क्या आपको फैमिली को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था? मतलब ये काजल वाणी जो है साफ भाषा में कहा जाए तो जिस पत्तल में खाती है ना उसी पत्तल में ये छेद करती है, इतना गिरी हुई लड़की है। हम आपको बता दें कि इनका और ऐसे सीन देखिएगा कि बहुत ही गलत गलत इनका सीन है। और ये जो है गुजरात से आके भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका काम करने का मौका मिलता है, और ये भोजपुरी के ही स्टार को बदनाम करने लगती है, तो इससे कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम होता है, और ये जो है बिहार के इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस जगह पे रह रही है उस जगह को बदनाम कर रही है, जिसके साथ में काम की, जो नाम पहचान इनको जिनको से मिला पवन सिंह से, ये खुद ही बोल रही थी ना कि हमको पवन सिंह से नाम पहचान मिला हुआ है, तो मतलब पवन सिंह जिससे नाम मिला, जिससे पहचान मिला, उसको बदनाम कर रही है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। और अगर देखिए, ठीक है हम ये नहीं कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव पूरा सही है और पवन सिंह पूरा सही है, हम ये कभी भी नहीं बोल रहे हैं, हम एक बात आपको बता रहे हैं कि ठीक है वो कुछ गलत है, तो आप उनके साथ कुछ अपने मर्जी से किए थे तब ने किए कि अच्छा आपको ये पता था कि ना जो खेसारी लाल यादव शादीशुदा है, तो उनका घर तोड़ने से पहले आप उनके साथ रिलेशन में कैसे जुड़ गए, और उनका घर तोड़ने के लिए ना आप रिलेशन में जुड़े हुए थे। तो इनके इतना गिरे हुए इंसान कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी का घर तोड़ना ये कहीं ना कहीं गिरे हुए इंसान ही कर सकता है। यही हम आपको बता रहे हैं कि काजल राघवानी जो है बहुत ही गिरी हुई इंसान है, इसको आप लोग मासूम समझने का गलती नहीं करें, और इनको जो है इस तरह के जो भी है ना इसको सपोर्ट नहीं कीजिए। कहा है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आके, जहां से इनका गुजरात में घर है वहां से भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको इतना प्यार मिलता है, और उसी इंडस्ट्री को ये बदनाम करने लगती है। आप देखे हुईगा कि बिरज भाट के बारे में, कि बिरज भाट जो है उनका भी है जो भोजपुरी से नाम पहचान मिला, और जाके अब नेपाली में फिल्म बना रहे हैं, नेपाल के एक्टर है था। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग जो है भोजपुरी में आकर अपना नाम बनाते हैं, पूंजी बनाते हैं, और भोजपुरी को ही बाजी में बदनाम करने लगते हैं। मतलब कि जब भोजपुरी से इनका नाम पहचान बन जाता है, पैसा बन जाता है, तो ये लोग भोजपुरी को ही बदनाम करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बिहार के कलाकार को, यूपी के कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी जो है बिहार यूपी है झारखंड है, यहाँ के कलाकार को आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी जो बायल के कलाकार है ना उनको सपोर्ट कीजिए, अगर वो भोजपुरी को सपोर्ट कर रहे हैं तब सपोर्ट कीजिए, नहीं तो ऐसे ऐसे गिरे हुए इंसान को आप लोग मासूम समझने का गलती मत कीजिए। और यही चीज जो था हम आप लोगों को बताने आए थे, इसी साथ विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।